हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज लेकर आई हूँ मंथली रीडिंग, है सभी जोडियक साइन के लिए है। और ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, और जो रेजोनेट ना करे उसको फॉरगेट करिएगा। तो यहाँ पर हम सफल करेंगे कार्ड्स को और देखेंगे कि जून का मंथ कैसा जाने वाला है आपके लिए, जून का मंथ हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, बिगनिंग ऑफ मंथ। डेथ कार्ड मिड ऑफ मंथ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पर मेरे सभी व्यूअर्स के लिए रीडिंग है ये। क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस मंथ में, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी हमारे व्यूअर्स को, गाइड करें यूनिवर्स, ओके थैंक यू। आपके लिए एडवाइस कार्ड, क्या एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से, आपको क्या सलाह दी जाएगी, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये आपके ब्लेसिंग्स कार्ड हैं, ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं। और अब हम देख लेते हैं कि साईं बाबा की ओर से आपके लिए क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। आपकी क्या गाइडलाइन है, आपका क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू बाबा, वन मोर कार्ड, ओके। एक मांगा था बट बाबा ने दो कार्ड दिए हैं तो हम दोनों ही लेंगे, थैंक यू। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहला है हमारा बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर फ्रेंड्स हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि आपको अपने फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में, या फिर आपकी अपनी स्टडी है उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़े, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जो भी स्किल यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी हुनर को तराश रहे हैं, आपके अंदर कोई कला है, आप किसी कला को निखार रहे हैं, जो आपकी हॉबी है, आप अगर अपनी हॉबी को और तराश रहे हैं, उसको और शार्प कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स,
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपकी जो हॉबी है, आपका जो भी हुनर है, वो आपको सफलता दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा। तो हो सकता है कि जून मंथ के शुरुआती दौर में आप अपने हॉबीज़ पर फोकस करें, अपने हुनर पर फोकस करें, और कुछ व्यूअर्स अपने फाइनेंसेस में ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, और कुछ व्यूअर्स अपने स्टडी पर फोकस करेंगे। हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हों, उनको अपना फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए ये आखिरी मौका हो, और वो इसलिए इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। आप अपनी जी तोड़ मेहनत लगा देंगे अपने हुनर पर, सारी तरफ से, सभी परेशानियों से आप अपना ध्यान हटाकर अपने जॉब पर, अपने कैरियर पर, अपनी स्टडी पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करने वाले हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपका पूरा कंसंट्रेट आपके वर्क पर रहेगा, आपके कैरियर पर रहेगा। मिड ऑफ द मंथ में डेथ कार्ड आता है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है फ्रेंड्स, एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। हो सकता है कि आप लोग, कुछ व्यूअर्स के लिए एक नया प्लेस मिले उनको, जहाँ पर भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, जिस भी जगह पर आप अभी पदस्थ हैं, जहाँ पर भी आप अभी जिस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो सकता है कि आपका ऑफिस चेंज हो जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसा चेंज आए आपकी लाइफ में मिड ऑफ द मंथ में, जो आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हो, आपको खुशियाँ देने वाला हो, और आपके लिए एक नई सुबह, एक नया डॉन लेकर आ रहा है ये। हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई विजडम मिले, या आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है मिड ऑफ द मंथ आपके कैरियर के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपको विजन क्लियर आ रहा हो, अब आपको कार्ड प्रॉपर दिख रहे होंगे। एंड ऑफ द मंथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट 10 डेज में आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, आप कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, और ये आउटिंग आपकी सडन होगी, पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी। हो सकता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाएं, हो सकता है कि आप कुछ समय क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहें, दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर आप कुछ समय पीसफुल बिताना चाहते हैं। और जून के एंड में 10 डेज में आप कहीं ना कहीं जाने का प्लानिंग जरूर से करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ट्रैवल दिख रही है यहाँ पर, आप विथ फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपकी शॉर्ट ट्रिप हो सकती है या फिर लॉन्ग ट्रिप हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस मंथ में। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फ्रेंड्स, केयरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे, डोर टू स्पिरिचुअल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कुछ व्यूअर्स के लिए केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। आप अगर लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं किसी अच्छे पर्सन के लिए, किसी ऐसे सोलमेट के लिए जो आपकी सोल ट्राइब का हो, आपसे इसके थॉट्स मैच करते हो, जिससे आपका दिल मिले, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और नंबर 5 हमेशा चेंज को दिखाता है, तो इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अभी तक जो भी सैडनेस थी आपके अंदर, वो ख़त्म होएगी, धीरे धीरे से ख़त्म होने वाली है, और आप अपने आप को बहुत लकी समझेंगे इस पर्सन से मिलने के बाद। तो इस जून मंथ में आपके लिए एक केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत लॉन्ग टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए विश फुलफिल जैसा हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फ्रेंड्स, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है नियर फ्यूचर। अगला कार्ड है वॉकिंग अवे, तो डेथ कार्ड के नीचे वॉकिंग अवे है, 7
899 नंबर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, और आप कुछ परेशानियों से या कुछ ऐसे लोगों से जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, या फिर जो आपके लिए लॉयल नहीं हैं, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, या फिर ऐसा कोई वर्क प्लेस जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा था, आपकी एनर्जी को सक कर रहा था, ऐसे वर्क प्लेस से आप मूव ऑन करेंगे, निकल के जाएंगे, आप किसी नए प्लेस पर वर्क करेंगे, आप किसी नई जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, अगर आप किसी वर्क प्लेस पर थे और वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम से लोग परेशान कर रहे थे, मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, तो आप इस जगह से मूव ऑन करने वाले हैं, और जिस भी नई जगह पर आप जाएंगे वहाँ आपको बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फियर मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आने वाला जून मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगला कार्ड है नंबर 7, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, ट्रेवल कार्ड के नीचे है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप लोग कहीं भी हिल स्टेशन पर जाकर अपने लिए एक ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जो आपकी हीलिंग करेगा। हो सकता है कि आप पूरा ईयर, पूरा साल बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद एक जगह रहते रहते व्यक्ति की एनर्जी बहुत स्टक हो जाती है, बहुत उबाऊ हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि उस एनर्जी में व्यक्ति बहुत बोर हो जाता है। तो आप अभी से अपने बोर्डम से बाहर निकलने वाले हैं, आप अपनी फैमिली के साथ या तो किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे, तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाएंगे, और ये जो आप घूमने जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, ये आपकी पर्सनल हीलिंग का काम करेगी, और आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, आप रिजेनुएट होंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर एक नई ताजगी का संचार होगा, आप बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या हैं। आपके जो सबसे पहले एडवाइस है, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो अभी आप जिस भी जगह पर वर्क कर रहे हैं, और अगर आप जॉब को छोड़ने का सोच रहे हैं, या फिर आप अपने जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये टाइम अच्छा है। आप भी आप अपने आप को फ्रेश फील करें, एनर्जेटिक फील करें, आपकी अपनी पर्सनल हीलिंग कंप्लीट हो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही होना चाहिए कि आप अपने जॉब कैरियर और फाइनेंसेस के लिए एक नया स्टेप ले सकते हैं। न्यू आइडियाज़ जो भी आपके पास हैं उनको आप ग्रो करिएगा, आइडियाज़ पे वर्क करिएगा अपने, और न्यू कंडीशंस को अप्लाई करिएगा। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कितने कार्ड जो आए हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कितना अच्छा यूनिवर्स ने मैसेज दिया है। डेथ कार्ड के नीचे है हमारा वॉकिंग अवे, और उसके बाद है माँ काली का कार्ड, एंडिंग एंड बिगनिंग। तो जैसा कि डेथ कार्ड भी बताता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, और किसी एक नई चीज़ की बिगनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, और यहाँ आप अपनी परेशानियों से मूव ऑन करने वाले हैं। और अगला कार्ड एंडिंग एंड बिगिनिंग्स का, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो आप जिस भी पुरानी चीज़ों से, पुरानी सिचुएशन से अभी फेस कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है
द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो दैट डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, जी नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव का टाइम है। तो आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है और नई चीज़ों में बिगिनिंग करना है, शुरुआत करना है। और जैसा कि पहला कार्ड आया था कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, आपकी पर्सनल हीलिंग होने वाली है, तो ये जो लास्ट कार्ड है वो भी क्वाइट टाइम का है। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करनी चाहिए। एंड ऑफ द मंथ आप अपने पर्सनल हीलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को हील करिएगा, कहीं बाहर घूमने जाइएगा, हवा पानी को चेंज करिए, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो। और आप जब जुलाई में एंटर करें तो आपके अंदर एक नई पावर हो, एक नया आइडिया हो, एक नया विजडम हो, और आप अपनी लाइफ से पुरानी चीज़ों को निकाल कर नई चीज़ों को एंटर कर सकें, नई चीज़ों को वेलकम कर सकें। अब देखते हैं कि बाबा हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा का जो पहला है मैसेज वो है, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। तो अगर आप लोग कहीं कोई मन्नत मांगते हैं डियर फ्रेंड्स, और मन्नत पूरी होने के बाद आपको मन्नत का चढ़ावा ज़रूर से पूरा करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला कार्ड है समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्व समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी गुरु हैं, आपके भगवान हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनको अपनी स्थितियों को सरेंडर करिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने दीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अगला कार्ड है विपुलता का, तो जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो है बहुत सारा अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करनी है, और आप जो भी प्रॉब्लम में भी हैं, आप जिस भी जगह पर फंसे हुए हैं, उससे आपको बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स और एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ये थी मंथली रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो डियर फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुँचे। और दिल से शुक्रिया आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे अपना कीमती वैल्यूबल टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।